हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है सभी का हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सभी इन्वेंशंस एंड उनके इन्वेंटर्स। देखिए, जो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं और उनके रिलेटेड जितने भी आपके इन्वेंटर्स हैं जो आपके बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, और विद पिक्चर्स और उनके जो इन्वेंटर्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने इसके वीडियो के अंदर डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर। सो सबसे पहला इन्वेंशन है हमारा एडिंग मशीन का। सो एडिंग मशीन का जो आपने इन्वेंट किया था वो किया था पास्कल ने सन 1642 के अंदर। देखिए, तो इसका मेरे को कोई फोटो नहीं मिला पास्कल का, तो मैंने फोटो नहीं डाला। तो ये इनका इन्वेंशन था पहला, जिन्होंने एडिंग मशीन बनाई थी, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस कंट्री के। दूसरा है आपका एरोप्लेन। एरोप्लेन आप सभी जानते हैं कि राइट ब्रदर्स, तो दो भाई थे राइट्स ब्रदर। पहले का नाम था ओलिवर ओरविले एंड दूसरे का नाम था विल्बर राइट, जो कि कहाँ के थे? USA के रहने वाले थे, और सन 1903 में इन्होंने आविष्कार किया था एरोप्लेन का। नेक्स्ट है आपका एयरप्लेन, जो कि जेट इंजन से चलने वाला, सो जेट इंजन से चलने वाला एयरप्लेन का आविष्कार किया था आपका HJP von Ohain ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे आपके, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1939 में किया था। नेक्स्ट है आपका एटम बॉम्ब का। एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेन हिमर ने, जो कि USA के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1945 में किया था। जे रॉबर्ट ओपेन हिमर का जन्म आपका 1904 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी सन 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था जॉन जे लाउड ने, जो कि सन 1888 ईस्वी में किया था, और ये भी आपके USA के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किया था इवान जेलिस्टा टोरेसिली ने, जो कि इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1644 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका बाइसिकल। बाइसिकल का आविष्कार जो किया था वो किया था किर पैट्रिक मैकमिलन ने सन 1839 ईस्वी में। जो मैकमिलन थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका कैमरा, जो कि कोडेक कंपनी का था। इसका आविष्कार किया था आपका वॉकर ईस्टमैन ने। वॉकर ईस्टमैन भी USA के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1888 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका कार, जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। तो कार जो स्टीम से चलती थी उसका आविष्कार हुआ था सन 1769 ईस्वी में, जो कि किया था निकोलास क्यूगनॉट ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। फिर था आपका कार जो कि पेट्रोल पे चलती थी, तो पेट्रोल से चलने वाली कार का जो इन्वेंशन किया था वो किया था कार्ल बेंज ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1888 में किया था, और इन्होंने अपना जो पेटेंट था वो सन 1886 में 29 जनवरी को करवा लिया था। जो कि कार्ल फ्रेडरिक बेंज वॉज एन जर्मन इंजीनियर एंड डिजाइनर एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर। हिज बेंज पेटेंट मोटर कार फ्रॉम 1885 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल मोटर कार। नेक्स्ट है आपका सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ था सन 1824 में, जो ये आपका किया था जोसेफ एस्परडीन ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार किया था आपका निकोलस एंड जीन ल्यूमेरे ने, जो कि दोनों ब्रदर थे, और ये फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ईयर था आपका वो था 1895। नेक्स्ट है आपका क्लॉक। जो मैकेनिकल क्लॉक थी आपकी, उसका आविष्कार हुआ था सन 1725 ईस्वी में, और जो इसके इन्वेंटर थे वो थे आई हसिंग और लियांग लिन टसान,
लेकिन इनका मेरे को कोई फोटो नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं डाला। और ये चाइना के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी भी बोलते हैं। तो ये आपका इन्वेंटर था आरसीए कंपनी, जो इसका इन्वेंटिंग ईयर था वो था आपका 1972, और ये कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो लैपटॉप का आविष्कार आपका किया था सिंक्लेयर ने, कब? ईस्वी 1887 में। और ये सिंक्लेयर कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। फिर आपका डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये आविष्कार सन 1895 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका डायनमो। डायनमो का आविष्कार किया था हाइपोलाइट पिक्सी ने, हाइपोलाइट पिक्सी ने सन 1832 ईस्वी में। और हाइपोलाइट पिक्सी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार आप सभी जानते हैं किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1879 में किया था। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एसी, तो इसका आविष्कार हुआ था आपका सन 1888 में, और जो इसके इन्वेंटर थे वो थे निकोलास टेस्ला, और ये यूएसए के रहने वाले थे। फिर आपका इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन आपका इन्वेंट हुआ था सन 1906 में, और जो इसके इन्वेंटर थे वो थे हैमिल्टन स्मिथ। हैमिल्टन स्मिथ भी आपके यूएसए के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ब्रिटेन के रहने वाले थे, और इन्होंने ये आविष्कार सन 1897 ईस्वी में किया था। फिर है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार सन 1955 में किया था केपेनी द्वारा, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। फिर है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार हुआ था सन 1834 ईस्वी में, और इसके इन्वेंटर थे एंड्रे मोरे एम्पियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1775 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 जून 1836 को। और इन्हें एम्पियर सर्किट ला और एम्पियर फोर्स ला के लिए भी जाना जाता है। फिर आपका ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ था सन 1878 ईस्वी में, और यह हुआ था आपका यूएसए में, और इसके इन्वेंटर थे वही जिन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। द फोनोग्राफ इज अ डिवाइस दैट इज इन्वेंटेड इन 1877 फॉर द मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। इन इट्स लेटर फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रामोफोन। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ था आपका सन 1924 में, और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे इटियने ओहेमिचेन, और जो एक कंट्री कहाँ के रहने वाले थे, ये थे फ्रांस के रहने वाले। इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1955 में। फिर आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के जो इन्वेंटर माने जाते हैं वो हैं एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने यह आविष्कार किया था सन 1952 ईस्वी में। एडवर्ड टेलर भी आपके यूएसए के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक विटल ने, जो कि कंट्री ब्रिटेन के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1937 में किया था। और ये एक ही वॉज एन इंग्लिश रॉयल एयरफोर्स इंजीनियर, एयरफोर्स ऑफिसर, और ही इज क्रेडिट विद दिस सिंगल हैंडली इन्वेंटिंग द टर्बोजेट इंजन। फिर आपका लेजर। लेजर का आविष्कार जो किया था वो किया था थियोडोर मेमन ने। थियोडोर मेमन ने यह आविष्कार किया था सन 1960 में, और ये भी आपके यूएसए के रहने वाले थे। फिर आपका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का आविष्कार किया था होरेस शॉर्ट ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने यह इन्वेंशन सन 1900 में किया था।
फिर आपका मशीन गन, मशीन गन का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था सन 1718 ईस्वी में, और ये किया था रिचर्ड गैटलिंग द्वारा, और रिचर्ड गैटलिंग आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1876 ईस्वी में किया था। वैसे तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। फिर है आपका माइक्रोव ओवन। माइक्रोव ओवन का आविष्कार सन 1947 में हुआ था। जो इसके इन्वेंटर हैं वो हैं पर्सी लेबोर स्पेंसर, और ये भी आपके यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था जी डेमलर ने। डेमलर हैं आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1885 ईस्वी में किया था, और जो इनका पूरा नाम है वो है गोटिलिब विलहेलम डेमलर, वॉज एन इंजीनियर इंडस्ट्रियल डिजाइनर एंड अ इंडस्ट्रियलिस्ट बोर्न इन स्कॉट इन वट इज नाउ इन जर्मनी। ही वॉज एन अ पायनियर ऑफ इंटरनल कम्बंशन इंजन। उसके बाद है आपका नियोन लैम्प। नियोन लैम्प का आविष्कार किया था जियॉर्ज क्लाउडे ने, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1910 में किया था। उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था सन 1955 में, और इसके इन्वेंटर थे नरेंद्र कैपेने, और ये जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। वैसे तो जो नरेंद्र कैपेने हैं वो इंडियन बोर्न साइंटिस्ट हैं, उनका जन्म हुआ था जो पंजाब में हुआ था। नरेंद्र सिंह कैपेने इज एन इंडियन बोर्न अमेरिकन सिख फिजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन फाइबर ऑप्टिक्स। ही वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द सेवन अनसंग हीरो बाय द फॉर्च्यून इन देयर बिजनेस मैन ऑफ द कंट्री इशू। फिर आपका पेसमेकर। पहले पेसमेकर का आविष्कार किया था विल्सन ग्रेट बैच ने, जो कि यूएसए के थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1952 में किया था। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी ऑन पेपर, पेपर पर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू एच फॉक्स टेलबॉट ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1835 ईस्वी में किया था। फिर है आपका फोटोग्राफी ऑन फिल्म। फिल्म के ऊपर जो फोटोग्राफी है उसका आविष्कार किया था जॉन कार्बट ने। जॉन कार्बट हैं आपके, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इन्वेंशन सन 1888 ईस्वी में किया था। फिर है आपका पियानो। पियानो का आविष्कार किया था क्रिस्टोफोरी ने। क्रिस्टोफोरी थे जो आपके इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1709 ईस्वी में किया था। फिर है आपका पिस्टल, रिवॉल्वर, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। पिस्टल का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, और इन्होंने इन्वेंशन सन 1836 ईस्वी में किया था। उसके बाद है आपका रेडार। रेडार के जो आपके इन्वेंटर थे वो थे एएच टेलर एंड लियो सी यंग, और इन्होंने ये इन्वेंशन किया था सन 1922 में, और ये भी आपके कंट्री यूएसए से बिलोंग करते थे। फिर आपका रेडियो कार्बोनेटिंग। रेडियो कार्बोनेटिंग का आविष्कार किया था लिबे ने। लिबे थे जो आपके यूएसए से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इन्वेंशन किया था सन 1947 में। मुझे कोई डाटा नहीं मिला, फोटो नहीं मिली, और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सका। नेक्स्ट है आपका रेजर, जो आपका सेफ्टी ब्लेड होता है, उसके आविष्कारक थे किंग सी जिलेट। देख सकते हो आप, जो जिलेट कंपनी है उसके फाउंडर हैं ये, किंग सी जिलेट, जो कि यूएसए की है, और इन्होंने आविष्कार सन 1895 ईस्वी में किया था। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन एंड अलेक्जेंडर कैटलिन ने, और जो आपका राइट हैंड में पिक्चर है वो है जेम्स हैरिसन की, और जो लेफ्ट हैंड में है वो अलेक्जेंडर कैटलिन की, और ये दोनों कहां से बिलोंग करते थे? यूएसए से, और इन्होंने इन्वेंशन किया था 1850 में। नेक्स्ट है आपका रबर। वुल्केनाइज्ड रबर होती है जिससे टायर बनते हैं, ये किया था इन्वेंशन चार्ल्स गुड ईयर ने,
और ये यूएसए के रहने वाले थे, और इन्होंने इन्वेंशन सन 1841 ईस्वी में किया था। सेफ्टी पिन, जो आपकी सेफ्टी पिन होती है, उसके इन्वेंटर थे वॉल्टर हंट, जो कि ये भी यूएसए से ही बिलोंग करते थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन सन 1849 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका शिप, टरबाइन से चलने वाली, जो कि 1894 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, और इसका आविष्कार किया था होन सर पॉर्सन ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। फिर आपका स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार सन 1698 में थॉमस सेवोरी ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। फिर आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था सन 1976 ईस्वी में, और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जे एच वॉन टसेल, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। फिर आपका टैंक, टैंक का आविष्कार हुआ था सन 1914 में, जो किया था सर एमेस्ट डी स्विंगटन ने, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के जो इन्वेंटर माने जाते हैं वो हैं फेसेंडन पोल्सेन, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, और इन्होंने ये इन्वेंशन किया था सन 1899 ईस्वी में। उसके बाद आपका टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कारक भी माना जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, जो कि वैसे से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इन्वेंशन किया था सन 1876 ईस्वी में। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था 1608 ईस्वी में, जो इसके इन्वेंटर माने जाते हैं वो हैं हंस लिपर्शे, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। फिर है आपका टेलीविजन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उसके इन्वेंटर माने जाते हैं पेटी फार्न्सवर्थ, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इन्वेंशन सन 1927 ईस्वी में किया था। उसके बाद आपका टेलीविजन, कलर टेलीविजन, तो जो कलर टेलीविजन का आविष्कार किया था वो किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने सन 1928 ईस्वी में, और जो ये कंट्री ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, और इन्हें वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द मैकेनिकल टेलीविजन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन सिस्टम ऑन 26 जनवरी 1926, एंड इन्वेंटर ऑफ बोथ द फर्स्ट पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेटेड कलर टेलीविजन सिस्टम एंड द फर्स्ट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूब। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के जो आपके इन्वेंटर थे वो थे माइकल फेराडे, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और इनका जो इन्वेंशन हुआ था ट्रांसफॉर्मर का वो था 1831 ईस्वी में। माइकल फेराडे एफ आर एस वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिज मेन डिस्कवरी इंक्लूड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डायमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद आपका वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर जो कि बिजली से चलता था इलेक्ट्रिक, उसका आविष्कार किया था स्पेंजियर ने, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इन्वेंशन किया था सन 1907 में। जेम्स मरे स्पेंजर वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर सेल्समैन एंड जेनिटर हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कॉमर्शली सक्सेसफुल पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर दैट रेवोल्यूशनाइज्ड हाउस होल्ड कॉर्पेट क्लीनिंग। हिज डिवाइस वॉज नॉट द फर्स्ट वैक्यूम क्लीनर। इन्वेंशन जो आपका हुआ था वायरलेस टेलीग्राफी का, वो किया था जी मार्कोनी ने, ग्यूगेलेमो मार्कोनी, और ये वो था सन 1896 में। ये मार्कोनी इटली से बिलोंग करते थे। मार्कोनी वॉज एन इटालियन इन्वेंटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉन फॉर हिज अ पायोनियरिंग वर्क ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन एंड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ मार्कोनीज लॉ एंड अ रेडियो टेलीग्राफ सिस्टम। न्यूट्रन बॉम्ब, न्यूट्रन बॉम्ब के जो आपके इन्वेंटर माने जाते हैं वो हैं सैमुअल कोहेन, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इन्वेंशन किया था सन 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका शिप, स्टीम से, तो ये हुआ था आपका इन्वेंशन सन 1775 ईस्वी में। इन्वेंटर हैं इसके आईसी पैरियर, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर रेडियो, जो कि इन्वेंट हुआ था आपका सन 1955 में, और इसके इन्वेंटर हैं सोनी, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। वीडियो टेप, वीडियो टेप के आविष्कारक माने जाते हैं कार्लस
गिन्सबर्ग जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, और इनका जो इन्वेंशन हुआ था वीडियो टेप का वो था सन 1956 में। ये लास्ट की चार पांच इन्वेंटर हैं जिनको मेरे को कोई डाटा नहीं मिला आपको शो करने के लिए। तो नेक्स्ट है आपका वॉच। वॉच का आविष्कार हुआ था 1462 ईस्वी में। बैरहोलोम्यू मैन फ्रेडी जो कि इटली से बिलोंग करते थे, उन्होंने वॉच का आविष्कार किया था सन 1462 ईस्वी में। तो इनका भी मुझे कोई डाटा नहीं मिला आपको शो करने के लिए। सो गाइज, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंटर जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो की अपडेट जानने के लिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।